हेलो गाइस, क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप लोग यार? यूपी के राउंड टू का रिजल्ट आ गया, नीट 2021 का, और रिजल्ट एकदम वैसा रहा जैसे विराट कोहली की बैटिंग होती है, मतलब अनएक्सपेक्टेड। सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। क्या ये एक्सपेक्टेशंस रखी थी? और मतलब कट ऑफ यार, मेरे को खुद को बिलीव नहीं हुआ। मैंने देखा यार, ऑल इंडिया से ज्यादा, इवन राउंड वन से ज्यादा राउंड टू की कट ऑफ गई है। ठीक है, तो ठीक है, रीजन के बारे में, इसके बारे में अपन एनालाइज करेंगे, बात करेंगे कि ऐसा क्या रीजन रहा है कि यार मतलब 10-10 12-12 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, 10-10 12 नंबर कट ऑफ बढ़ रही है। ठीक है, राउंड टू में बढ़ी है, तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी कान में कुछ देखे हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम जो आपको करना है, यार चैनल पर नए हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, मेरे को पता है थोड़ा सा गुस्सा हो गया क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ बताई थी यार, गलती सिर्फ। ठीक है, अपन जो भी एक्सपेक्ट करते हैं वो एनालिसिस के बेसिस पे करते हैं, बट ठीक है, हो सकता है एनालिसिस गलत हुई है, आई एक्सेप्ट। ठीक है, बट अभी अपन बात करेंगे कि रीजन क्या रहा है, ऐसा क्या रीजन रहा है कि यार कट ऑफ इतनी बढ़ गई है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी ये मतलब हिस्ट्री है एक तरह। ये मान लो कि आप जो भी यूपी के कैंडिडेट्स हैं, जो अगर देख रहे हैं, तो आप लोगों ने बेसिकली हिस्ट्री क्रिएट करी है कि यार राउंड टू की कट ऑफ राउंड वन से ज्यादा, वो भी 10-12 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, तो इतनी मतलब आसमान को छू रही है। हाँ वही कट ऑफ, और ये मैं आसमान की ऊंचाई हूँ। खैर, तो यार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कट ऑफ रही क्या है ना, क्या सिनेरियो रहा है। तो ये है, देखो भाई साहब, राउंड वन में, यूपी के राउंड वन में, ये चीज मैं पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि 601 पे क्लोज हुआ था, 18,298 रैंक पे, यूआर या जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो अब टोटल अगर वैकेंट सीट्स की मैं बात करूं राउंड वन के बाद, मतलब राउंड वन के बाद टोटल वैकेंट सीट्स थी 177 सीट्स थी। ठीक है, सीट्स ऑब्वियसली कम थी। अब यहां पे आ जाओ पहला रीजन कि कट ऑफ बढ़ी क्यों। ठीक है, पहला रीजन तो ये है कि सीट्स इतनी कम थी, और दूसरा रीजन जिसके बारे में पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि यार मार्क्स में डिफरेंस था, रैंक में जो डिफरेंस था, कि राउंड वन की जो रैंक थी और राउंड टू की जो रैंक थी उनमें मार्क्स का डिफरेंस था। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हुआ क्या है कि राउंड वन में 1,000 रैंक कितने मार्क्स पे थी, 625 मार्क्स पे। स्टेट रैंक की बात मैं कर रहा हूँ, आपकी यूपी की जो स्टेट रैंक है, 625 मार्क्स पे 1,000 रैंक थी। तो राउंड टू में क्या हुआ, 626 मार्क्स पे आइए वो 1,000 रैंक, एक नंबर का बढ़ गया ना, है ना। रीजन क्या है कि फर्स्ट राउंड में कुछ लोगों ने क्या किया है, मतलब रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, उन लोगों ने डायरेक्ट ऑल इंडिया के थ्रू किया, और सेकंड राउंड में डायरेक्ट उन्होंने एंट्री मारी, और एंट्री ऐसी मारी कि क्या छोड़ो, है ना। तो अब ये तो हर जगह होता है, बट कट ऑफ बढ़ने के पीछे क्या रीजन है, तो वो चीज मैं आपको सिंपली के लिए एक्सप्लेन करूंगा, है ना। और एक और चीज मैं आपसे कहूंगा कि यार होप बिल्कुल लूज मत कीजिए, क्योंकि यहां पे नहीं मिला तो इसका मतलब आपको मॉपअप राउंड में कॉलेज मिलने के चांसेस अब बढ़ गए हैं, है ना। लॉस मैं कह रहा हूं कि लॉस आपको हुआ है ना, वो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करूंगा तब तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, बट चांसेस आपके मॉपअप राउंड में इंक्रीज होने के बढ़ गए हैं ना, तो होप आप जरूर रखिएगा, है ना। तो ये मैं चीज बता रहा हूं कि फर्स्ट राउंड में जो 601 नंबर पे क्लोज हुआ था, अब सेकेंड राउंड में देखो भाई साहब, 613 नंबर पे जनरल के लिए बंद हुआ है। ठीक है, तो ये देखो यार, 12 नंबर का डिफरेंस आ गया, 12 नंबर कट ऑफ बढ़ गई है, रियली अनएक्सपेक्टेड है यार ये। मैं ओबीसी की बात करूं तो 597 क्लोज हुआ था, ओबीसी का डिफरेंस ही मेरे को सबसे ज्यादा दिमाग खराब किया था कि 597 से जो एक्सपेक्ट अपन कर रहे थे कि यार एक दो नंबर गिरेगी क्योंकि वो सीट्स खाली है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो 13 और 3, 16 नंबर बढ़ गई, 613 पे क्लोज हुआ, ओबीसी भी जनरल के बराबर है ना। ईडब्ल्यूएस की फर्स्ट राउंड में 599 थी, सेकेंड राउंड में 607, फिर से 8 नंबर का डिफरेंस आ गया। एससी की कट ऑफ अपनी जो एक्सपेक्ट की थी वो लगभग लगभग रही है ना, 450 एक्सपेक्ट की थी, 453 गई है, एक नंबर यहाँ पे गिरी है एससी कैटेगरी में, एटलीस्ट गिरी तो है यार, कम तो हुई है। और एससी में देखो 241 से 296, तो ये तो कट ऑफ हो गई है ना। फिर से मैं आपको बता दूं, जनरल की 613 गई है, जनरल ओबीसी दोनों की, ईडब्ल्यूएस की 607 गई है, राउंड टू की एससी की 453 और एसटी की 296। ठीक है, एनालिसिस इसकी करें तो आपको देखो पता चलेगा सबसे पहले तो कि जो भी टॉप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, देखो कि 680 से ऊपर 19 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने राउंड टू में मतलब स्टेट काउंसलिंग में पार्ट लिया है।
है ना, यहाँ पे आप देखोगे 710 वाला पहला ऊपर है, आप देखो अब 710, जिसके 710 नंबर है वो यूपी की स्टेट लाउंज में पार्ट ले रहा है, जबकि वो चाहे तो उसको एम्स मिल सकता है, उसको दिल्ली के टॉप मेडिकल कॉलेजेस मिल सकते हैं ना, एमएएमसी यूसीएमएस वगैरह, तो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हो सकता है मिल भी गए होंगे, पर पता नहीं क्यों वो छोड़ के मतलब स्टेट राउंड में पार्ट ले रहे हैं सेकेंड राउंड में। तो ये एक मेजर डिफरेंस रहा है, ये बहुत बड़ा रीजन रहा है कि यार जो भी टॉप स्टूडेंट्स हैं वो स्टेट राउंड के थ्रू पार्ट ले रहे हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपने देखा 680 से ऊपर 19 स्टूडेंट्स हैं, तो चलो टोटल मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि 680 मार्क्स का एक स्टूडेंट है, ठीक है, 680 मार्क्स का एक स्टूडेंट है, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ राजस्थान का, तो राजस्थान का टॉप मेडिकल कॉलेज है एसएमएस मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो अब उस बच्चे के 680 मार्क्स है तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, है ना, कि मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, रैंक भी बहुत अच्छी है, तो वो एक्सपेक्ट करेगा यार या तो दिल्ली का कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए, एम्स मिल जाए, है ना, या फिर दिल्ली का मेडिकल कॉलेज ना मिले, एम्स ना मिले, कोई भी टॉप मेडिकल कॉलेज, तो फिर अपने को एसएमएस मिल जाए जो अपने स्टेट का बेस्ट मेडिकल कॉलेज है और मतलब बाकी भी ऑल इंडिया वाइज भी अच्छा मेडिकल कॉलेज है ना। तो वो क्या करेगा, ऑल इंडिया की काउंसलिंग में क्या फिलअप करेगा, पहले एम्स वेम्स भरेगा, है ना, एमएएमसी वगैरह टॉप मेडिकल कॉलेज भरेगा, उसके बाद एसएमएस को भर देगा, ठीक है। तो अब 680 मार्क्स पे उसको एम्स वगैरह नहीं मिले तो उसको क्या हुआ, ऑल इंडिया से एसएमएस अलॉट हो गया। आप समझ रहे हैं कि टॉप वाले जो भी हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स होते हैं तो इसी यही पैटर्न होता है सबका, है ना, यही चॉइस होती है। तो उसको एसएमएस मिल गया, राजस्थान का टॉप मेडिकल कॉलेज मिल गया ऑल इंडिया से, ऑल इंडिया की काउंसलिंग पहले हुई है ना। तो अब आप बताइए कि उसका स्टेट में जाने का कोई सेंस बनता है क्या, ऑब्वियसली नहीं बनता, क्योंकि अगर वो स्टेट काउंसलिंग में पार्ट लेता है तो वहां से भी उसको एसएमएस ही मिलेगा, उससे बेटर तो मिल नहीं सकता, और एसएमएस ऑल इंडिया से मिल गया तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, ऑल इंडिया से ज्वाइन कर लेगा एसएमएस, और एक स्टेट की सीट अपनी बच गई। स्टेट की सीट अब देखो 680 पे उसको मिला तो वो स्टेट की सीट मिलेगी किसको, 689 वाले स्टूडेंट, सॉरी 679, 679 वाले स्टूडेंट को मिलेगी, है ना। तो ये नॉर्मल सिनेरियो रहता है। अब यार मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, आप देख सकते हो कि 710 वाला स्टूडेंट है, 706 वाले आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, है ना, वो स्टेट मतलब स्टेट में पार्ट ले रहे हैं ना, पार्ट लिया है उन्होंने, तो उसकी वजह से रैंक में भी डिफरेंस आया है। मैंने आपको बताया था 1000 रैंक पे एक नंबर का डिफरेंस आ गया, 3000 रैंक पे 2 नंबर का डिफरेंस आ गया था, 5000 रैंक पे अगर आप आते हो कि 5000 स्टेट रैंक है ना, तो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में आप देखोगे 8 नंबर लगभग बढ़ गई थी, मतलब 8 नंबर का बढ़ गया था, है ना, क्योंकि वही राउंड 2 में स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो ये एक मेजर आपका रहता है कि यार जो टॉप स्कोरिंग स्टूडेंट्स हैं उनका माइंडसेट क्या रहता है, पता नहीं इस बारे ऐसा क्यों हुआ है ना, जनरली नहीं होता है बिल्कुल भी, मैं मानता हूँ एक्सपेक्टेशन हमारी भी गलत हुई है। काफी सारे स्टूडेंट्स जो कमेंट में पूछ रहे थे कि यार मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा क्या, सबके दिमाग में रहता है, आई नो आपको नहीं मिला होगा, बट मैं ये कहूंगा कि आप होप लूज मत कीजिए। अब देखो क्योंकि ये ऑल इंडिया से स्टेट में आए हैं तो ऑल इंडिया की कहीं ना कहीं तो सीट खाली होगी, है ना, उसको नीचे वाले ऑक्यूपाई करेंगे तो नीचे से कहीं ना कहीं आपके लिए स्पेस तो बनेगा, है ना, लॉस होगा, लॉस आपका हुआ है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि यार आपकी जो भी स्टेट की सीट थी, है ना, अब यहाँ पे तो आपको सिर्फ ये था कि आपकी स्टेट की सीट है तो आपकी स्टेट रैंक के बेसिस पे आपको सिर्फ अपने स्टेट के स्टूडेंट से कम्पीट करना है ना, पर क्योंकि अब आपको ऑल इंडिया में जाना है ना, क्योंकि जो ऑल इंडिया वाले स्टेट में आए तो उसकी वजह से अब आपको ऑल इंडिया में जाना पड़ रहा है, तो वहां पे आपको फिर वही सारे पूरे भारत के स्टूडेंट से कम्पीट करना पड़ेगा, तो लॉस तो आपको डेफिनेटली हुआ है, बट होप लूज मत कीजिए। जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फर्स्ट राउंड की मैंने बताई थी 601 है ना, तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 597-98 पे, तो मॉप अप राउंड में आपको 597-98 उतने मार्क्स आपके हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, है ना। तो यही बात थी कि यूपी की कट ऑफ डेफिनेटली बहुत ज्यादा हाई गई है ना, और ऑल इंडिया की सीट स्टेट को रिवर्ट होने से रही तो वहां की सीट तो आपके लिए अभी भी खाली है। तो यार ये था पूरा यूपी के सेकंड राउंड का जो भी माहौल था। आप चैनल पे नए हो तो यार प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक इम्पॉर्टेंट बात, राजस्थान के जो भी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि यार ऑफलाइन काउंसलिंग में वो मतलब कितनी सीट्स भर रही है पर डे, तो वो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो उस पर अपलोड कर दूंगा कि फर्स्ट डे में कितनी सीट्स भर गई थी, सेकंड डे में कितनी सीट्स भर गई थी, क्योंकि 677 सीट्स टोटल वैकेंट थी, है ना, और फर्स्ट डे तक 548 रह गई है, तो मैं पूरा उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप बने रहिएगा यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।